Hello everyone, how are you? Hope you are fine and enjoying study. I'm Kinjal Sonchhatra, your science teacher. This is the first chapter which we have already started. Today we are going to start from 1.4, Ceptotrophs. You might have seen packets of mushrooms sold in the vegetable market. आपने शायद मशरूम का पैकेट्स देखा होगा वेजिटेबल मार्केट में सेल किया हुआ. यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पेचिस ग्रोइंग ऑन रॉटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन. आपको 1.7 ये फिगर दिया हुआ है, तो आपने फ्लफी टाइप अम्ब्रेला लाइक पेचिस देखे होंगे. लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम. मतलब कि कौन से टाइप का न्यूट्रिशन उसे सर्वाइव करने के लिए चाहिए, तो चलो हम उसके उसके बारे में पढ़ते हैं. बुजो वॉन्ट्स टू नो हाउ दिस ऑर्गेनिजम्स एक्वायर न्यूट्रिशन. मतलब बुजो को जानना है कि ये ऑर्गेनिजम्स है कौन से तरह के न्यूट्रिशन उसे चाहिए. दे डू नॉट हैव माउथ्स लाइक एनिमल्स टू. मतलब कि एनिमल्स की तरह तो उसे माउथ नहीं होता है, तो भी उसे न्यूट्रिशन कैसे मिलता है. दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट्स एज दे लैक क्लोरोफिल एंड कैन नॉट मेक फूड बाई फोटोसिंथेसिस. दे नॉट लाइक ग्रीन प्लांट्स, वो ग्रीन प्लांट्स की तरह नहीं है. क्लोरोफिल भी उसमें नहीं होता है और फूड वो खुद नहीं बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से, तो वो उसे न्यूट्रिशन कैसे चाहिए और वो कैसे प्रोवाइड करता है. अभी एक्टिविटी दी हुई है, टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्टन इट विथ वाटर. आपको क्या करना है, ब्रेड लेनी है और आपको उसे भिगो देना है वाटर में. लिव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2 to 3 days. और आपको 2 या 3 दिन के लिए उसे एक जगह पर रख देना है. और अनटिल फ्लफी पैचेस अपीयर ऑन देम. और फ्लफी पैचेस उसमें बन जाए तब तक आपको वहीं पे रखना है. एक्टिविटी ये फिगर है 1.8 दिया हुआ है, देखो ऐसे, ठीक है. ये गंदी हो जाए तब तक उसे रखना है. दिस पैचेस मे बी वाइट ग्रीन और ब्राउन और एनी अदर कलर. ये पैचेस है कोई भी कलर के हो सकते हैं. ऑब्जर्व द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप और अ मैग्नीफाइंग ग्लास. और आपको क्या करना है, ये पैचेस है माइक्रोस्कोप में देखने हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास में भी आप दे सकते हैं. राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक. आपने जो भी ऑब्जर्व किया है वो आपके अपने नोटबुक में लिखना है. मोस्ट प्रोबेबली यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड्स स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड. ब्रेड की जो पीस है उसके ऊपर आपको ये कॉटन के जैसे थ्रेड्स आपको दिखेंगे. दिस ऑर्गेनिजम्स आर कोल्ड फंगी. उसे बोलते हैं फंगी और फंजाई, आप कोई भी नेम ले सकते हैं. दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन. उसका अलग तरह का न्यूट्रिशन होता है. दे सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेज ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सॉल्यूशन. वो जो भी डेड एनिमल्स है, डेड चीज है, उसमें से कन्वर्ट करके अपना सॉल्यूशन खुद बनाता है. देन दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन फ्रॉम इट. और क्या करता है, उसमें से न्यूट्रिशन उसे एब्जॉर्ब करता है. दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिशन इन सॉल्यूशन फॉर्म फ्रॉम बैड डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. मतलब कि जो भी न्यूट्रिशन है जिसमें भी डेड और डीके मैटर से उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है, इस तरह का जो न्यूट्रिशन है उसे कहते हैं सेप्टोट्रोपिक न्यूट्रिशन. प्लांट्स विच यूज सेप्टोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्टोट्रॉप्स. और जो भी प्लांट्स इस तरह का न्यूट्रिशन यूज करता है उसे कहते हैं सेप्टोट्रॉप्स. फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स. फंगी है वो पिकल्स में भी बन सकती है. लेदर क्लॉथ एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम. अगर आपने ह्यूमिड वेदर में आपने रख दिया, तो कोई भी क्लॉथ में या फिर आर्टिकल्स में किसी भी चीज़ पे चीज़ के ऊपर ये बन सकती है. पहेली इज नीड टू नो whether her beautiful shoes which she wore on special occasion were spoiled by fungi during the rainy season. She wants to know how fungi appear suddenly during the rainy season. अभी पहली है, उसे एक बात क्लियर नहीं हो रही है कि रेनी सीजन में ही उसके जो सूज है उसमें फंगी कैसे हो जाती है. मतलब रेगुलरली तो नहीं होता है, पर ये स्पेशली रेनी सीजन में क्यों हो जाती है.
Bujo says once his grandfather told him that his wheat field were spoiled by a fungus. He wants to know if fungi cause disease also. Bujo ने बोला वंस हिज ग्रैंड फादर टोल्ड हिम एक बार ग्रैंड उसके ग्रैंड फादर ने उसे बोला था हिज वीट फील्ड्स वर स्पॉइल्ड बाई अ फंगस मतलब कि ये वीट की पूरी फील्ड थी वो बिगड़ चुकी थी फंगस की वजह से. ही वॉन्ट्स टू नो उसे जानना है इफ फंगी कॉज डिजीज ऑल्सो मतलब कि फंगी की वजह से डिजीज भी कर सकती है. Paheli told him that many fungi like yeast and mushrooms are useful. Paheli ने उसे कहा कि yeast और mushroom जैसी fungi होती है वो useful होती है. But some fungi cause disease in plants. पर कई तरह की fungi होती है वो plants, animals और humans को disease पहुँचाती है, disease कर देती है उसकी वजह से. Some fungi are also used in medicines. कई जो फंगी होती है वो मेडिसिन में यूज भी होती है. ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मेनी थिंग्स रेनी सीजन में कई तरह की चीज़ें बिगड़ जाती है. आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मेंस ऑफ फंगी इन योर हाउस मतलब कि आपको पेरेंट्स को पूछना है कि कई कौन सी जगह पे फंगी ये बन जाती है घर पे. द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर फंगल स्पोर्स है वो ज़्यादातर एयर में ही प्रेजेंट होते हैं. व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो. नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड मतलब कि हम कैसे बचा सकते हैं हमारी चीज़ों को ये फंगाई से. सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिशन दिस कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब कि कई तरह की चीज़ें होती है वो एक के साथ दूसरी रहती है उसे बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगी लिव इन रूट्स एंड ऑफ ट्रीज कई तरह की जो फंगी होती है वो रूट्स में ही रहते हैं ट्रीज के. द ट्री प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन द फंगस एंड इन रिटर्न रिसीव्स हेल्प फ्रॉम ईट टेक अप ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल मतलब कि ये यूजफुल भी होती है. जैसे ही उसे न्यूट्रिशन फंगस देता है और क्या होता है कि ये वाटर पार्टिकल्स उसे प्रोवाइड करते हैं मतलब कि अल्टरनेटिवली ये दोनों एक दूसरे को यूज़फुल होते हैं. ट्री है वो फंगस को और फंगस है वो ट्री को. दिस एसोसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्री ये एसोसिएशन है वो ट्री के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उससे ही उसे क्या मिलता है पूरा का पूरा न्यूट्रिशन. इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लीचेंस ये ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं लीचेंस. अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज़ एन एल्गे एंड फंगस लिव टुगेदर मतलब कि ये क्लोरोफिल है उसका पार्टनर है एल्गी एंड फंगस है वो दोनों एक दूसरे के साथ ही रहते हैं. द फंगस प्रोवाइड शेल्टर एंड वाटर एंड मिनरल टू द एल्गे एंड इन रिटर्न द एल्गे प्रोवाइड फूड विच प्रिपेयर्स बाय फोटोसिंथेसिस और एल्गे क्या करता है उसे रिटर्न में फोटोसिंथेसिस में जो भी फूड बनाया हुआ है वो रिटर्न करता है. तो चलो आज के लिए इतना. नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे. तब तक के लिए बाय बाय.